इसका मसाला इतने मजे का होता है, चाहे आप खाली मसाले से रोटी खा लेना, आपको मजा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरा ना मछली खाने को बड़ा दिल कर रहा था लंच में, तो मैंने कहा तलने वाली तो रोज ही खाते हैं, तो ये आज पका के खाती हूँ। मैंने कहा अपने व्यूअर से मैं आज शेयर कर लेती हूँ, मैं अपने लिए बना रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक चम्मच घी डालना है बस, थोड़ा सा, आपको पता ना मैं थोड़ा ही इस्तेमाल करती हूँ हर चीज़ में, मुझे हर चीज़ ना नॉर्मल अच्छी लगती है, नॉर्मल ही इस्तेमाल करती हूँ हर चीज़। बस प्याज थोड़ा सा सोते करना है, सुरख नहीं करना ना ब्राउन करना। अब इसमें मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी, तो प्याज हमारा हो गया। एक चम्मच के मुताबिक डाल दो, मेरे ना सिर्फ तीन पीस हैं, उसके मुताबिक ही मैं सब कुछ कर रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपने मुताबिक डाल दें। अब मैं दो छोटे छोटे टमाटर हैं वो डाल दूँ, आप चाहे टमाटर काट के डाल दें, चाहे टमाटर की प्यूरी डाल दें। मैं ना दो छोटे छोटे डाल दी हैं काट के बारीक बारीक, अब इसमें थोड़ी सी प्यूरी भी डालूंगी। इसमें मैंने सिर्फ दो छोटी छोटी हरी मिर्च डाली हैं, थोड़ा सा लहसुन और अदरक, क्योंकि मछली में कुदरती नमक लगा होता है, मैंने पहले नहीं लगाया, दो दिया था अच्छी तरह। अब मैं थोड़ा सा ही डालूंगी नमक, तीन सारे पीस हैं, मैं ज़रा स्पाइसी अच्छी लगती है, ऊपर से चाहे आप मसाला भी डाल लें मछली का, जब बन जाए ना मछली का मसाला भी डाल सकते हैं। ये सूखा धनिया आधा टीस्पून डाल दूँ, ये ज़ीरा आधा टीस्पून हल्दी डालूँगी, हल्दी भी मैं साबुत मंगवा के ना धो के अच्छी तरह चॉप करके उसको सुखा लेती हूँ। मैं आपको किसी दिन बताऊँगी कि ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, बाज़ार से साबुत ले आए तो मैं आपको बताऊँगी किसी दिन। अब इसमें ना दो तीन चम्मच दही डाल दूँ, आग मेरी आस्था ही है। ये मैंने अपने लिए तीन पीस लिए हैं, बस अब ना इन पीसों को उल्टा करके ना ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर रख मसाले के ऊपर। और आग बिल्कुल दम पे रख दें, बिल्कुल दम पे आग कर दें, और कोई पानी कोई चीज़ नहीं डालनी, ये दही में टमाटरों के पानी में गल जाएगा। अब इसको 10 मिनट बाद देखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट हो गए, अब मैं इनका रुख बदल दूंगी। देखें कितना पानी छोड़ा हुआ, बस इनको दम वाली आग में रखना है, रुख बदल के ना इनका। अब मैं एक चुटकी कलवंजी डाली है, अब एक चुटकी अजवाइन इसके ऊपर, बस फिर इसको दम पे रख दूंगी 10 मिनट और।
बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। 10 मिनट इसको और हो गए हैं और ये बहुत प्यारी गल गई है। सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें और ज़रूर ट्राई किया करें, कमेंट में मुझे बताया करें। अब मैं डिश आउट कर देती हूँ। अब इसको ना ऐसे ही बस उलट दें। इसका मसाला इतने मज़े का होता है, चाहे आप खाली मसाले से रोटी खा लेना को मज़ा आ जाएगा। मेरा दिल करता है कि मेरी भी कोई रेसिपी को कहे बहुत अच्छी बनी है।